हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स पे। आप देख रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो लेक्चर से। आज की लेक्चर में हम लोग जानेंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। क्या होता है अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि राजस्थान की सभी नदियों के बारे में हम जानने वाले हैं कि कौन कौन सी नदियाँ राजस्थान में हैं, उनका जो प्रवाह है, फ्लो है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, क्या उनकी सहायक नदियां हैं, कहाँ से उद्गम होगा, कहाँ पे उनका संगम होगा, ये सब बातें आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजस्थान का अपवाह तंत्र कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा। इस बार आरएएस 2018 जो हुआ था उसके मेंस में, आरएएस 2018 के मेंस में जो कि एक लिखित परीक्षा होती है, इसके अंदर 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में चैलेंज क्या होता है, आपके पास जानकारियां बहुत सारी होती है, खूब सारे नदियों के बारे में आपको पता है, उनके बारे में, सहायक नदियों के बारे में, ट्रिब्यूटरीज के बारे में पता है, कौन कौन से डैम्स हैं, इन सभी को एक जगह पे कैप्सूल में बना के आपको प्रेजेंट करना ही आरएएस मेंस में मुख्य आपको चुनौती होती है, वही स्किल्स हमें डेवलप करने। ये देखिए सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया था ड्रेनेज सिस्टम। अब 5 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे कि अरब सागर की जो नदियां हैं, अरेबियन सी रिवर्स, उनके बारे में बताइए, या फिर अंतर प्रवाह यानी इनलैंड के बारे में। इस तरह से किसी एक पे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 2 नंबर में किसी एक नदी के बारे में भी पूछा जा सकता है, या जो बड़ी नदियां हैं जैसे कि लूनी, माही, चंबल, बनास, इनके बारे में 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले कितने भागों में बांटा गया है राजस्थान के अपवाह तंत्र को, तीन भागों में बांटा। किसके आधार पर बांटा गया, उनके फ्लो की दिशा किधर है, कहाँ किस ओर जा रही हैं। यदि हम लोग देखते हैं राजस्थान का ये मैप है और इसमें ये बीच में कौन से पर्वत हैं, अरावली पर्वत, अरावली के वाली नदियाँ इस तरह से जाएंगी यानी पश्चिम की ओर वाली, तो पूर्व वाली जो नदियाँ हैं वो तरफ जाएंगी। तो ये अरावली क्या कर रही है, यहाँ पे जो नदियाँ हैं उनको दो अलग अलग भागों में बांट रही है। तो उसी आधार पर पश्चिम वाली यानी वेस्ट वाली जो नदियां हैं ये आपके अरेबियन सी यानी अरब सागर में जाके गिरती हैं, और पूर्व साइड वाली ईस्ट वाली जो हैं वो आगे जाके दूसरी नदी में मिलती हैं, वो दूसरी नदी आगे जाके क्या होती है, बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। इसी आधार पे हमने तीन भागों में बांटा है। दो भाग तो आपके कौन से हो गए, अरब सागर, अरेबियन सी, और दूसरा बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल। तीसरा कौन सा हो गया, तीसरी वो नदियाँ जो कहीं जाके नहीं, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, चलती चलती विलुप्त हो जाए। ऐसी नदियों को हम लोग क्या कहते हैं, इनलैंड। देखिए नाम क्लियर कर रहा है, इनलैंड जो जमीन पे ही खत्म हो जाए, अंतः प्रवाह नदियां इनको हम लोग कहते हैं। प्रतिशत के रूप में यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है वो राजस्थान में अंतः प्रवाह ही नहीं जा पाती, बीच में ही अपना दम तोड़ देती है। सबसे ज्यादा कौन सी है, अंतः प्रवाह नदी है, आ सकता है डायरेक्ट कितनी परसेंट है, 60%। बचे हुए 40% में से ज्यादा कौन सी है, बंगाल की खाड़ी वाली है ना 23%, और अरब सागर वाली कितनी है 17%। यानी सबसे ज्यादा यदि पूछा जाए तो आप कहोगे कि अंतः प्रवाह नदियां इनलैंड रिवर सबसे ज्यादा है। ये इनके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, अरब सागर की नदियां कौन कौन सी हैं, देखिए मुख्य चार नदियां ही आपको पढ़नी है अरब सागर में, और बंगाल की खाड़ी में भी ये चार नदियां ही हम लोग पढ़ेंगे। कुछ इनके सहायक नदियों के बारे में यानी ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम जरूर जानेंगे। इनमें से लूनी और माही इम्पोर्टेंट है, चंबल और बनास चार इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये सभी लगभग बराबर महत्व रखती हैं, सभी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कहीं से भी बनाया जा सकता है। चलिए आइए बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ टर्म्स को जान लेते हैं। ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र क्या होता है, किसी क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अपवाह तंत्र क्या बताएगा कि उस नदी का जो फ्लो है वो कहाँ पे, यानी एक तरह से उसमें सारी की सारी बात आ जाएंगी कि कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, कौन कौन से एरियाज को कवर कर रही है, वो सारा का सारा उसका अपवाह तंत्र होता है ड्रेनेज सिस्टम। एक टर्म आती है वाटर डिवाइड लाइन, वाटर डिवाइड लाइन जल विभाजक रेखा। जल विभाजक रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो नदियों को अलग अलग भागों में बांटती है। किस तरह अलग अलग भागों में, कुछ नदियों की दिशा एक तरफ हो जाएगी और कुछ नदियों की दिशा एक तरफ हो जाएगी। जैसे हमने अभी देखा कि अरावली के इस तरफ वाली नदियां यानी पश्चिम वाली नदियां इधर चले जाएंगी और पूर्व वाली नदियां इस तरफ चले जाएंगी,
तो ये अलग अलग जो दिशा प्रदान कर रहा है यही क्या है, वाटर डिवाइड लाइन है। वाटर को डिवाइड कर दिया हमने, जल का विभाजन कर दिया। तो ये पर्वत और पठार देखिए लगभग ऊंचा हिस्सा होता है, ऊंचा हिस्सा होगा बीच में, अभी तो क्या होगा इधर वाली नदियां इधर चले जाएंगी, इधर वाली नदियां इधर, इधर से इधर नहीं जा पाएगी। तो पर्वत या पठार यानी माउंटेन और प्लेटू हो सकता है ये, राजस्थान में ये भूमिका कौन अदा करता है, अरावली पर्वत, जो नदी बेसिन को अलग अलग करता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे है जल ग्रहण, नाम से क्लियर है, जल ग्रहण कहाँ से होता है, कैचमेंट एरिया जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें नदी प्लस उसकी जो सहायक नदियां हैं आसपास में जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ये पूरे एरिया को हम लोग कह सकते हैं कैचमेंट एरिया है, जल ग्रहण क्षेत्र। क्या होता है, ये विशिष्ट क्षेत्र जहां से नदी अपना जल बहाकर आती है। अब दो नंबर में आपसे पूछा जा सकता है वाटर डिवाइड लाइन क्या होती है, डेफिनेशन लिखनी होगी, एग्जाम्पल्स आपको लिखनी होगी। चलिए अब सबसे पहले हम लोग अरब सागर के नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं, अरेबियन सी रिवर्स। चार मेन नदियां हैं, देखिए चीज़ें आपको सिस्टमेटिक ध्यान में होनी चाहिए, पूरा ऐसे फ्लो डायग्राम दिमाग में होना चाहिए कि तीन प्रकार से हमने अपवाह तंत्र को बांटा है तीन भागों में, अरब सागर, अंतर प्रवाह और पेयोग बंगाल। अब जो अरेबियन है, अरब सागर में कौन कौन सी हैं, चारों नाम आपको तुरंत आ जाने चाहिए, कौन कौन से हैं, लूनी सबसे बड़ी है, माही के बाद आपकी हिमी बनास और साबरमती, ये चारों के चारों नाम आपको तुरंत आ जाने। सबसे पहले हम किसको पढ़ लेते हैं, लूनी नदी, लूनी कह सकते हो, लूनी नदी भी कह सकते हो। किसी भी नदी पे यदि क्वेश्चन आता है तो क्या लिखना होगा उसमें, एक बार हमें ये नहीं समझ में आता क्या लिखना होगा, तो देखिए सिस्टमेटिक आप याद करिए, नदी का क्वेश्चन आते ही क्या करना है, उसका उद्गम कहाँ से हुआ, उसका जो अंत कह सकते हैं या जहाँ पे विलुप्त हो जाएगी या किसी में जाके संगम हो जाएगी वो कह सकते हैं, तो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है, लंबाई कितनी है, तीन चीज़ आ जाएंगी। चौथी चीज़ आप उसके अन्य कोई नाम है तो नाम लिख सकते हैं, ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों के बारे में जरूर लिखें, उसमें तो कौन कौन से बांध पाए जाते हैं वो लिख सकते हैं, तो कौन कौन सी जगह को कवर कर रही है, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से कवर कर रहे हैं, अगर ये सारी की सारी बातें लिख देते हो तो आपका जो आंसर वो कंप्लीट आंसर में गिना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। तो सिस्टमेटिक चीज़ों को याद करना है। तो ओरिजिन एंड संगम के बारे में देखा जाए लूनी का, तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है, नागपाड़ी, क्योंकि कहाँ पे है, अजमेर में, और संगम कहाँ होगा, कच्छ के रण में होगा। आइए इसको हम लोग मैप से समझने की कोशिश करें, ये अजमेर जिला, यहाँ पे नाग पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी से नदी निकलेगी, कौन सी, लूनी नदी, जो कि यहाँ पे पाली में प्रवेश करने के बाद जोधपुर और पाली का बॉर्डर बनाती हुई बाड़मेर में प्रवेश, बाड़मेर में कुछ इस तरह से अंदर जाने के बाद इसमें अचानक घुमाव आता है और ये जालौर में प्रवेश करती है, उसके बाद गुजरात में होती है, कच्छ के रण की तरफ चले जाएंगी। ये इसका फ्लो है कि कहाँ से कैसे जाती है। अब देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आता है, इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो कैचमेंट एरिया है, वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, अजमेर को आपको काउंट कर लेना है, नागौर को भी आपको काउंट, पाली काउंट होएगा, जोधपुर काउंट होगा, देन बाड़मेर और जालौर, कितने टोटल छह नाम यहाँ पे आपको ध्यान। उद्गम की बात की, उद्गम कहाँ से होगा, अजमेर की नागपाड़ियों से होगा, और संगम कहाँ पे होने जा रहा है, कच्छ के रण में हो जाएगा। ये दो बातें हमने कर ली हैं। तीसरी बात आती है लंबाई की, लंबाई है 495, ये 500 से 5 कम रह गई, 5 किलोमीटर और बढ़ा देते तो लूनी की लंबाई याद करने में आसान हो जाती, 500, उसमें से 350 आपके कहाँ है, राजस्थान में, यानी बाकी जो बच गई आपकी वो गुजरात में। अपवाह क्षेत्र के हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, पहली संख्या तो आपको याद रखनी है कि कितने जिलों में इसका अपवाह क्षेत्र है, कितने जिलों में है, 6 जिलों में, अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर। इसको याद करने के लिए देखिए बहुत आसान सी एक टेक्निक है, एक आपने सुना होगा अपना बजाज, अपना बजाज एडवर्टीजमेंट आया करता था टीवी में, बजाज के स्कूटर्स का ऐड आता था, स्कूटर्स तो रहे नहीं, बाइक्स के ऐड आते हैं, अपना बजाज आप लोग याद कर लीजिए, ए यहाँ पे अजमेर के लिए हो गया, पे पाली के लिए, ना नागौर के लिए, ब बाड़मेर के लिए, फिर जा और जय है, एक जोधपुर हो जाएगा और एक जालौर। लूनी का कैचमेंट एरिया, अन्य नाम क्या है देखिए, सागरमती, लवणवती, आधी खारी आधी मीठी, अंतः सलीला, अंतः सलीला कहा था कालिदास ने, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, कालिदास ने लूनी नदी को किस नाम से पुकारा है, नाम से पुकारा है
अंतर सलीला नाम से पर है। सागरमती नाम इसका क्यों है देखिए आइए जानते हैं। ये चित्र देखिए आप, यहाँ पे नाग पहाड़ी से जब सबसे पहले ये नदी निकलती है तो सागरमती नाम से ही जाना। इस तरफ से एक नदी आके इसमें मिलती है सरस्वती, दोनों के मिलने के बाद ही इसको क्या कहा जाता है, लूनी नदी कहा जाता है। यहाँ से क्या हो गया, लूनी नदी जो है वो स्टार्ट होगी। तो यानी एक तो नाम इसका क्या हो गया सागर, दूसरे नाम की यदि हम बात करते हैं लवणवती, लवण यानी कि एसिड कह दो, सलाइन कह दो, खारा कह दो, के हिसाब से इसका नाम पड़ा है। लूनी नदी प्रारंभ में जब अजमेर से निकलती है तब तो ये मीठी होती है, लेकिन आगे जाते जाते जमीन में से क्या होगा, जो हरे कण कह दो आप उसको, सेलाइन पार्टिकल्स कह दो, उनको लेते लेते जाती है आगे, और इसलिए क्या हो जाएगी आगे जाके सेलाइन हो जाएगी, हरी हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आधी खारी और आधी मीठी कहते हैं। हरी कहाँ पे होगी, बाड़मेर में, पालोत्रा नाम की जगह है वहाँ पे जाके ये खारी हो जाती है। ये दोनों नाम आपको ध्यान रहेंगे, लवणवती आधी खारी आधी मीठी, अंतर सलीला हमने बता दिया कालिदास। सहायक नदियों की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे सहायक नदियाँ आपकी कौन कौन सी हैं देखिए, जोजड़ी, गुइया, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, सवाई, खारी, सागी। आसान है याद करने में, कैसे याद करोगे इनको देखिए, एक तो आप ये तीनों एक साथ याद रखिए, अभी मैप में भी मैं आपको दिखाऊंगा इनको। इससे पहले देखिए, एक जवाई है, सागी जवाई होता है, जिससे सागी भाई होता है, सागी बहन होती है, यहाँ पे हम लोग कहेंगे सागी जवाई है, लेकिन है कैसा वो, खारा है। ये तीन आपको ऐसे याद हो जाएंगे, कैसा है जवाई, खारा है सागी, लेकिन तीन आप ये ऐसे याद कर लीजिए, लीलड़ी, मीठड़ी, सुखड़ी, और इसके साथ में जोजड़ी भी ले लीजिए, यानी ऐसी नदियाँ जिनमें रेडी आ रहे हैं, क्या आ रहा है लास्ट में, रेडी आ रहा है, ये सभी की सभी किसकी होंगी, लूनी की सहायक नदियाँ होंगी। टेक्निक ये वाली आपको में रखनी है। लेकिन एक नदी ऐसी भी है जिसमें री तो आता है, लेकिन वो फिर भी लूनी की सहायक नदी ना होके पश्चिम बनास की सहायक नदी है, जो है कुकड़ी। कौन सी है, कुकड़ी। ध्यान रखेंगे केवल एक ही डी वाली ऐसी है जो कि पश्चिम बनास या किसी और नदी की है, बाकी अगर आपका डी आ जाए तो उसको सीधा के सीधा किसमें आपको टिक कर देना है, ऑप्शन में लूनी नदी की ट्रिब्यूटरीज में, यानी सहायक नदियों में तो टिक कर देना, बस कुकड़ी का ध्यान रखना, कुकड़ी को लूनी में मत लाना आप लोग। तो आप लोग ये याद कर लीजिए एक साथ, एक बांडी है, बांडी आप लोग जानते ही हैं, एक सांप होता है उसके जैसा ही एक रूप होता है बांडी, वो किसको खा गई, चूहिया को, गुहिया की जगह आप चूहिया के फॉर्म में याद रख लीजिए, बांडी खा गई गुहिया को, यानी कि चूहिया को। तो ये आपको सारे के सारे इस तरह से याद रह जाएंगे। अभी देखिए इनको हम चित्र में भी देखते हैं, मैप में आप लोग को दिखाता हूं मैं। सबसे पहले आप जोजड़ी को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जोजड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो राइट साइड से आती है, आपकी ये राइट साइड होगी, आपको इधर से देखना है, इस तरफ बहाव है उस तरफ आपको मुंह रखना है, फिर देखिए ये राइट साइड होगी आपकी, ये आपकी हो गई। कई बार एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी नदी बाईं ओर से आती है और दाईं ओर से आती है, तो राइट साइड से यहाँ पे केवल एक ही आती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इसका उद्गम जो है वो कहाँ से, नागौर जिले से, ये जोधपुर में आके मिली, हाँ मिलेगी आके जोधपुर में। के बाद बाई, ये जो लेफ्ट साइड वाली बात करें, ये आपकी दाई साइड होगी, दाई साइड की हम लोग बात करें तो फिर यहाँ पे सबसे पहले आपकी कौन, बांडी, बांडी और गुहिया देखिए एक साथ आएंगी, इन दोनों को एक साथ आपको याद रखना है, बांडी और गुहिया। आगे जाके ये मिल जाती हैं, देखिए यहाँ पे मिल चुकी हैं, फिर आगे जाके ये जोधपुर में ही मिलेंगे वापस, जोधपुर में ही किस में मिल जाएंगी, ये लूनी नदी में मिल जाएंगी। ये बांध है बीच में, बांधों की अभी हम बात कर लेंगे इसके बाद। मीठड़ी, फिर आप मीठड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, ये सब इस तरह से जा रही है, जवाई, खारी, ये सभी के सभी कहाँ जाके मिलेंगी, ये बात आपको याद रखनी है, ये सभी के सभी जितनी भी हैं कहाँ मिलती हैं, जाके बाड़मेर में, बाड़मेर में जाके ये नदी में मिलती हैं। उद्गम की बात करें तो ये जितनी भी आपकी यहाँ से लेके जवाई तक, ये सभी के सभी पाली में उद्गम होते हैं, कहाँ उद्गम होता है, पाली में। ये भी पूछ लिया जाता है कि उद्गम कहाँ से होता है, तो ये सभी देखिए पाली से ही निकल रही हैं, फिर जाके बाड़मेर में मिलती हैं। प्रारंभ में जो दो हैं आपकी कौन कौन सी, जोजड़ी और पांडी गुइया, ये जोधपुर में मिलती हैं, बाकी सभी बाड़मेर में
अब इन दोनों के उद्गम की बात आएगी, सागी जो है वो जालोर, वहां से उद्गम होगा जालोर से, और एक सिरोही से भी उद्गम होता है क्या, हारी का, हारी कहाँ से उद्गम होगा, सिरोही से। तो ये आपने मैप के द्वारा समझा कि कौन कौन सी हैं। तो डी वाली सारी ध्यान रहेंगे, तीन तो ये लगातार ही हैं, मीठड़ी लीलड़ी सुखड़ी, एक जोजड़ी स्पेशल है, बांडी और गुहिया आपको एक साथ याद रखनी है, बांडी चुहिया के फॉर्म में, एक जवाई है जो कि सागी तो है लेकिन कैसा है, खारा है, तो दवाई और खारा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जाके यहाँ पे उसमें मिल भी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आइए डैम्स की बात कर लेते हैं, कुछ बांध भी हैं यहाँ पे, चार डैम आपको ध्यान में रखना, कौन कौन से चार डैम है देखिए। सबसे पहले जसवंत सागर यानी कि पीचियाक डैम, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जसवंत सागर बांध को और किस नाम से जाना जाता है, तो पीचियाक नाम से जाना जाता है। लोकेशन की बात करें तो जोधपुर में है ये, यहाँ पे फर्स्ट नंबर इसको डाल देते हैं, ये कौन सा बांध है, पीचियाक बांध यानी जसवंत सागर बांध है, कौन सी नदी पे, लूनी नदी पे हो गया ये। अगला जो है वह हेमावास, हेमावास किस में है, पांडी में, पांडी है ये आपका हेमावास, और टू हम लोग डाल देते हैं, हेमावास बांध कौन से पे है, पांडी नदी में, पाली में, ध्यान रखना लोकेशन क्या है इसकी, पाली है, पाली से देखिए ये उद्गम हुआ है पाली में ही, और ये क्योंकि बॉर्डर पे बहती है पाली और जोधपुर के, तो ये फिर पाली में ही आना है यदि कॉमन सेंस लगाया जाए तो, ये पाली में ही उद्गम हो रहा है यहाँ से। इसके बाद देखिए दो डैम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक तो सुकड़ी पे डैम है, तीन नंबर इसको डाल देते हैं, ये तीन नंबर आपका कौन सा है, बांकली, क्वेश्चन आएगा सुकड़ी पे कौन सा बांध है, तो भाई सुकड़ी जो क्या होगी, बांकी होगी, जो चीज़ सूखी होगी वो क्या हो जाएगी, सूख के बांकी हो जाएगी, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, सुकड़ी क्या होगी, बांकी होगी, तो सुकड़ी पे कौन सा बांध है, बांकली बांध है, लोकेशन जालोर, कहाँ है आपका, जालोर में। इसके बाद जवाई पे बांध है, ये आसान है, जवाई पे कौन सा बांध है, जवाई बांध ही है चार नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से भी डिटेल में देखने वाले हैं। ये कहाँ पे है, पाली में, देखिए दो तो पाली में है, कौन कौन, हेमा और जवाई, हेमा और जवाई कहाँ पे है, पाली में है, बाकी एक जालोर में हो गया और एक क्या, ये हमने बेसिक बेसिक बातें सारी की सारी देख ली हैं। टेम्स की हमने बात कर ली, जसवंत सागर कहाँ पे, लूनी पे, जोधपुर, हेमावास किस पे है, पांडी पे, बांकली, बांका कौन होएगा जो सूख जाएगा, तो सूखड़ी पे बांकली, जवाई जवाई। राजस्थान के कुल अपवा तंत्र में लूनी नदी का योगदान कितना है, तो लूनी नदी का टोटल योगदान कितना है, 10.40% है, डायरेक्ट का डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ये बेसिक बातें हम लोगों ने देख ली। देखिए जालोर से केवल एक ही नदी आके मिलेगी बाड़मेर में, इसको एक सिरोही से आके मिलेगी, बाकी जितनी की जितनी है वो सारी की सारी पाली से ही निकल के मिलती हैं, केवल एक है जो कि नागौर से आके मिलती है, नागौर से आने वाली कौन सी है, जोधड़ी, ये आपको ध्यान है, जोधड़ी अलग से, इस पर बाकी सब इधर से आएंगी, एक एक ये कौन सी थी, खारी, सिरोही से कौन सी आएगी, खारी, जो किस में मिलेगी, जवाई में, खारी किस में मिलेगी, जवाई में, जालोर में कौन सी थी, सागी। पूछ लिया जाता है कि उद्गम कहाँ से, पालोत्रा जगह यहाँ पे पड़ती है बाड़मेर में, जहाँ पे आके इसका पानी कैसा हो जाएगा, खारा हो जाएगा। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो बाई, बाई आपका लेफ्ट होता है, लेकिन जोजड़ी कहाँ से आती है, राइट साइड से आती है, तो इसको यहाँ पे काट लिया जाएगा और यहाँ कर देते हैं हम लोग दाई, दाई यानी कि राइट साइड से, हमने देखा ही था राइट साइड से केवल एक ही आ रही है, कौन आ रही है, जोजड़ी, ये कहाँ से आएगी, नागौर से आएगी, नागौर से आने वाली एकमात्र जोजड़ी, राइट साइड से आने वाली यानी कि दाई साइड से आने वाली जोजड़ी। लूनी की सहायक नदी जिसका उद्गम दावली से नहीं होता है, ऐसी कौन सी है, जोजड़ी, सेम आंसर, नागौर में जो नदी आ रही है जोजड़ी, वो अरावली से नहीं है, यानी कि बाकी सारी की सारी कहाँ से हैं, अरावली से हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सहायक नदी जिसका उद्गम जालोर से होता है, ये बात हमने की अभी, जालोर से सागी। सहायक नदी जिसका उद्गम सिरोही से होता है, खारी, खारी जाके किस में मिलेगी, जवाई, जवाई कैसा है, खारा है। गुहिया बांडी को किस जगह मिलती है, बिल्कुल गुहिया और बांडी जो है वो किस जिले में मिलती हैं, पाली में मिलती है। देखिए हमने बात की पाली से ही इनका उद्गम हो रहा है, और जोधपुर में जाके ये किस में मिल रही है, लूनी नदी में मिल रही है, ये दोनों आपस में कब मिल जाती हैं, पाली में। लूनी नदी का जल मीठे से खारा हो जाता है, कहाँ पर हमने बात की, बालोतरा, बालोतरा कहाँ पर है, बाड़मेर में, इसलिए इसको लवणवती भी कहा जाता है, लवण लेके आती है ये, आधी खारी आधी मीठी भी कहा जाता है। जालोर में लूनी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, जालोर में लूनी के,
ठीक है, जालोर सबसे लास्ट लास्ट में है, जालोर है। यहाँ पे का जो अफवाह क्षेत्र है इसको कहा जाता है नेहड़ के रण। कौन से रण है? नेहड़ के रण। रण आप जानते हैं, रण प्लेन एरिया होता है जिसपे कुछ नमक जैसा व्हाइट व्हाइट पूरा का पूरा जमा होता है, उसे हम नेहड़ कहते हैं, रण कहते हैं। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? हम नेहड़ का रण कहते हैं। ये आ जाएगा क्वेश्चन, जालोर में लूणी के अफवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे भाई? नेहड़ रण कहेंगे। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी यदि पूछा जाए तो वो लूणी ही है, जो हमने अभी पढ़ ली है। पश्चिमी राजस्थान में चार नदियां मेन आपको पढ़नी है, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूणी। मरुस्थल का क्वेश्चन आ जाए या पश्चिमी राजस्थान का क्वेश्चन आ जाए, दोनों में आंसर होगा सबसे बड़ी कौन है? लूणी है। क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ लें कि केवल राजस्थान में पूछा है या पश्चिमी राजस्थान में पूछा है या मरुस्थल में पूछा है, कहाँ पूछा है। कहीं सबसे बड़ी आपसे पूछी जाए राजस्थान में और आप सीधा आंसर कर दो लूणी, नहीं। सबसे बड़ी लूणी कहाँ पे है? मरुस्थली क्षेत्र की नदियों में सबसे बड़ी कौन सी है? लूणी है, या पश्चिमी राजस्थान। यहाँ पे कुछ नाम है जिनसे डायरेक्ट दो नंबर का क्वेश्चन मेंस की परीक्षा में भी आ सकता है। गोडवाड़ बेसिन किसको? लूणी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। विस्तार कहाँ है इसका? जालोर, बाड़मेर, पालियोर। मुख्यतः ये आपके बाड़मेर में और जालोर वाले क्षेत्र में है, बाकी पाली और जोधपुर में इसको क्या कहा जाता है? गोडवाड़ बेसिन कहा जाता है। क्वेश्चन यदि आए कि गोडवाड़ बेसिन कौन सा है, तो लूणी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है ही क्या है आपका? गोडवाड़। लूणी बेसिन को ही कह देते हैं। जालोर, बाड़मेर, देखिए इसमें कौन कौन नहीं आया, एक तो नागौर नहीं आया है और एक कौन सा नहीं आया? अजमेर नहीं आया है। नागौर और अजमेर दोनों यहाँ पे नहीं आए हैं, तो बाद वाले पोर्शन। और यहाँ पे मिट्टी जो पाई जाती है वो भूरी मिट्टी पाई जाती है, ब्राउन सोइल पाई जाती है, ब्राउन सोइल पाई। नेक्स्ट क्या है? ज्वाई बांध, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर का मारवाड़ कौन सा क्षेत्र है? जोधपुर डिवीजन वाले क्षेत्र को आप कह सकते हो मारवाड़, जिसमें मुख्य रूप से आपका जोधपुर और पाली क्षेत्र। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर क्यों कहा गया? क्योंकि मारवाड़ को यानी पाली और जोधपुर को जल की जो पूर्ति है वो कौन कराता है? जवाई बांध ही कराता है। वाटर सप्लाई जो है वो जवाई बांध से ही हो। कौन सी नदी पे है जवाई बांध? जवाई नदी पे ही है। जवाई नदी पे जवाई बांध कहाँ पे है? पाली में है। पे ये जवाई बांध पाली में। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल योजना है ये, हम रखेंगे बिल्कुल। पाली, जोधपुर, सिरोही को जलपूर्ति, देखिए पाली और जोधपुर को तो हो रही है, साथ में सिरोही को भी जलपूर्ति इसके द्वारा की जाती है। जवाई बांध में यदि पानी की कमी हो जाएगी तो क्या करेंगे? पानी की कमी हो जाएगी तो एक सही जल सुरंग है, कौन सी? सही जल सुरंग, सही वाटर टनल, उससे इसको जलपूर्ति करा दें। ये पाली में है, इसमें अगर पानी कम हो गया तो सही एक वाटर टनल है, इस तरह से सुरंग है, जल सुरंग, उससे क्या करेंगे? पानी की सप्लाई दे देंगे। ध्यान रखेंगे आप, सही जल सुरंग के बारे में यदि पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि राजस्थान की सबसे पहली जल सुरंग, राजस्थान की सबसे पहली जल सुरंग कौन सी हो जाएगी? सही वाटर टनल हो जाएगी। और ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करती है? उदयपुर से पाली को कनेक्ट। उदयपुर से ये स्टार्ट होगी, यहाँ से पानी लेके आएगी, कहाँ लेके आ जाएगी? ये जवाई बांध में लेके आ जाएगी। तीन फैक्ट आप इसमें सीधे सीधे लिख सकते हैं, देखिए तीन क्या चार लिख सकते हैं, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे जाके मिलती है, कौन से बांध में जाके मिलती है यानी पानी की जलपूर्ति कराती है, राजस्थान की सबसे पहली जल सुरंग सी वाटर। चलिए अब हम सेकंड पढ़ते हैं माही, उद्गम। तो पहले क्या पढ़ते हैं हम? उद्गम पढ़ते हैं, संगम पढ़ते हैं, लंबाई, तीन चीजें ये हम लोग पढ़ना। इसका उद्गम कहाँ से होता है? देखिए मेहंद झील, अमरूरू पहाड़ी, विंध्यन पर्वत, झार जिला, ये पूरा एड्रेस है इसका, पूरा पता है, बस पिन कोड नहीं है यहाँ पे। तो पहली बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये मध्य प्रदेश में प्रारंभ होती है, विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत की हम पहले बात कर चुके हैं, ये राजस्थान, राजस्थान के नीचे ये कौन सा है? एमपी। एमपी में एक पर्वतमाला है विंध्यन, उसके नीचे कौन सी है? ये सतपुड़ा। विंध्यन की कुछ कगार भी हमने देखी थी यहाँ पे पाई जाती है। विंध्यन यहाँ पे होने के कारण कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो विंध्यन से स्टार्ट होकर कहाँ होंगी? राजस्थान में आ जाती है। इसका पहला एग्जाम्पल आपके पास है माही। माही का जो उद्गम है वो राजस्थान में नहीं है, जबकि लूणी का जो उद्गम है वो कहाँ था? राजस्थान में था, अजमेर में नागपाड़ी। तो मेहंद झील एक याद रखेंगे, विंध्यन पर्वत ध्यान रखेंगे, अमरोरू पहाड़ी भी कहा जाता है, हर जिला, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? हर जिला जो है एमपी में
यहाँ से इसका उद्गम होता है। अब इसका संगम कहाँ से होगा, देखिए संगम इसका हो रहा है खंबात की, खंबात गल्फ ऑफ, गल्फ ऑफ खंबात में। लंबाई की बात की जाए देखिए 576 है, जबकि लूणी की लंबाई कितनी थी 495 है। तो लूणी से लंबी तो है लेकिन राजस्थान में ज़्यादा कौन है, राजस्थान में ज़्यादा लंबाई लूणी की है, क्योंकि इसकी राजस्थान में लंबाई माही की कितनी है 171 है, वो लूणी की लंबाई कितनी 350 किलोमीटर है। देखिए इससे डबल से भी थोड़ी सी ज़्यादा है, ध्यान रखेंगे ये 171 है माही, लूणी कितनी है 350 है, टोटल इसकी लंबाई 576 है। ये सभी जो स्टेट्स है उसकी काउंट कर, कैचमेंट एरिया को देखते हैं। कैचमेंट एरिया को समझने से पहले आप इस चित्र को देखिए, देखिए ये मेहंद झील है यहाँ पे ऊपर पहाड़ी पे, कौन सी पहाड़ी पे, विंध्यन की अमरोरू पहाड़ी, विंध्यन माउंटेन की अमरोरू पहाड़ी। ये माउंटेन होता है जैसे पूरा, इसके ऊपर कोई छोटी पहाड़ी भी होती है कई बार, इस पहाड़ी पे एक झील है मेहंद झील, यहाँ से ये स्टार्ट होगी और बांसवाड़ा में एंट्री मारेगी। बांसवाड़ा में एंट्री कहाँ से मारेगी, खंदू गांव है, कौन सा गांव है, खंदू, खंदू गांव से ही आती हुई यहाँ पे एक डैम बनाती है, फिर आगे जाके एक और यहाँ पे डैम बनेगा, जो दो बांध बनेंगे। इसके बाद इस तरह से ये वापस कहाँ चली जाएगी, एमपी में। बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है ऐसी कौन सी नदी है जो एमपी से ही आती है और एमपी में ही चले जाती है, केवल राजस्थान में से घूमने आती है और बिजली प्रदान करती है। देखिए बिजली बनेगी यहाँ पे, साथ में पानी भी प्रोवाइड करेंगे आदिवासी क्षेत्र। देखिए पूरा का पूरा क्या है, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ से ये नदी निकलती है। ये भी आ सकता है आदिवासियों की सबसे प्रमुख नदी, आंसर क्या होगा, माही नदी, आदिवासी क्षेत्र से ही पे ये गुजर रही है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए क्या है, यहाँ से एक रेखा गुजर रही है, कौन सी रेखा गुजर रही है, जैसे एक रेखा गुजरती है राजस्थान में से, बांसवाड़ा में से गुजरती है और डूंगरपुर से टच होके जाती है, रेखा है कर्क रेखा, रेखा है कर्क रेखा, कर्क रेखा को ये नदी कितनी बार काट रही है, दो बार काट रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। कर्क रेखा को कितनी बार काटेगी माही नदी, दो बार काटे, ये हमने देख लिया कैसे कैसे जा रही है ये। तो अपवा क्षेत्र इसमें क्या आएगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर आएगा। माही, माही हम किसको कहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को भी कहते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे पीडी, महेंद्र सिंह धोनी क्या पीते हैं, पीडी, माही क्या पीते हैं, पीडी। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। देखिए कई कंफ्यूजन होते हैं कि डूंगरपुर आएगा या प्रतापगढ़ आएगा, या मैप के द्वारा आप साफ साफ समझ पा रहे हो प्रतापगढ़ में नहीं है। देखिए ये यहाँ से बांसवाड़ा के अंदर होती हुई डूंगरपुर में जाती है और बॉर्डर बॉर्डर से क्या करती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बॉर्डर बॉर्डर पर वापस मध्य प्रदेश में चली जाती है और आगे जाके गल्फ ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी ये गिरती है। ये बात होगी। सहायक नदियां देखिए इसकी, सहायक नदियां थोड़ी सी अलग हैं, एराव, अन्नास भी कह सकते हैं और अनास भी कहते हैं इसको, अनास, चाप, मोरेन, सोम, ये क्या हैं इसकी सहायक नदियां हैं। ये भी टेक्निक है, देखिए एक टेक्निक है ए अन्ना, अन्ना होता है साउथ वालों को अन्ना कहते हैं, बोला ए अन्ना चारपाई में, तो आसान है, बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल आसान है, जो हार्ड टेक्निक होती है मैं बताता ही नहीं हूँ, एकदम आसान है उसकी हम बात करेंगे। देखिए बाकी कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को हम लोग याद कर लेंगे। तो ए अन्ना चारपाई में सो जा, पे नहीं सोएगा, चारपाई में घुस के सो जा दो, ठीक है। तो अब आपकी ए से कौन सी होगी, राव हो गई, अन्ना नाश होगी, चारपाई चा से आप चाप ले लेना, में से मोरेन है, ठीक है मोरेन, सोम, सोम की बात हम पहले भी कर चुके हैं, और कौन सी है जासे जाखम, ये प्रमुख आपकी जाखम बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये जो एराव और अन्नास है ये इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से ज़्यादा इनका संपर्क, बाकी ये आप चारों के चारों तो स्पेशली ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। कुछ और भी हैं जैसे ईरू नाम से भी है, पर हम मुख्य मुख्य ध्यान रखेंगे, तो कई सहायक नदियाँ छोटी छोटी हो सकती हैं, हम किस किस की बात करें, तो मुख्य मुख्य हम याद रख लेंगे, ये याद रखने में दिक्कत होती है, पर ये वाली टेक्निक काफ़ी अच्छी है। माही, माही में है ये, देखिए माही कहता है ए अन्ना चारपाई में सो जा। बांध कौन कौन से हैं, देखिए तीन बांध हैं यहाँ पे, माही, बजाज सागर, कागदी, पिकअप और कढ़ाना बांध। कौन कौन से हैं, माही, बजाज, कागदी और कढ़ाना, एक साथ नाम लेंगे, माही, बजाज, कागदी, कढ़ाना, क्या कढ़ाना, कागदी, कढ़ाना। आइए मैप में देखिए,
सबसे पहले ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट जो है ये आपका क्या है, माही बजाज सागर है, वेरी इंपॉर्टेंट। माही बजाज सागर कहाँ पे पाया जाता है, बांसवाड़े में पाया जाता है। सबसे लंबाई, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कैचमेंट एरिया के नाम से जाना, लॉन्गेस्ट कैचमेंट एरिया पूछा जाए तो आपको माही बजाज सागर का नाम लेना है। इसको डिटेल में भी अभी हम देख लेंगे। दूसरा कौन सा है, कागदी, ये आपका सेकंड है कागदी, ये भी कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। ये दोनों बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में एक भी नहीं है इनमें। तो पिकअप डैम भी कहते हैं, क्या ये इसका पिकअप डैम है, PICK पिकअप डैम। पिकअप गाड़ी नहीं होती, उसका काम क्या होता है, ऊपर उठाना सामान को। उसका काम भी क्या है, पानी को एक बार ऊपर उठाया जाता है, पानी के फ्लो को तेज वापस तेज करने के। तो नदी को थोड़ा ऊपर उठा दिया, मतलब एक जगह पानी इकट्ठा हो जाएगा डैम में, फिर वापस उसका फ्लो क्या हो जाएगा, तेज कर दिया जाएगा, बहाव तेज करने के लिए पिकअप डैम बनाया है। अगला कौन सा है, कढ़ाना। कढ़ाना देखिए गुजरात में, वापस ये बाहर आ जाओगे तो ये तीसरा डैम है, कौन सा, कढ़ाना। तो राजस्थान में देखा जाए तो ये दो है यहाँ पे, तीसरा एक बाहर है। और चौथे की हम बात करते हैं, जाखम। जाखम प्रतापगढ़ में है, जाखम नदी पे, कौन सी नदी पे, ये जाखम। बाकी दोनों तीनों जो हैं वो कहाँ पे हैं, माही, मुख्य माही नदी पे ही हैं, ये जाखम नदी पे है अलग से। यानी माही पे अगर डायरेक्ट देखा जाए तीन, तो तीन में से दो तो बांसवाड़ा में है और एक कहाँ पे, वापस गुजरात में जाने के बाद ही। ये बात यहाँ पे क्लियर होगी होंगी सारी की सारी, कहाँ से प्रवेश होता है, कहाँ से क्या है। देखिए जाखम नदी यहाँ से आ रही है, जाखिम नदी का उद्गम कहाँ से है, ये प्रतापगढ़ से, इसी पे, ये प्रतापगढ़ में ही पूछा जाएगा कहाँ पे है। जाखम बांध कहाँ पाया जाता है, प्रतापगढ़ में, कौन सी नदी पे, जाखम नदी में ही पाया। एक यहाँ से आ रही है सोम नदी, सोम नदी कहाँ, बिछामेड़ा। मैंने बात की थी पहले, बिछामेड़ा पहाड़ियों में पड़ा था, बिछामेड़ा हमने क्या किया था, उदयपुर जो कि है झीलों की नगरी, झील के किनारे हमने क्या किया, सोमवार को बिछाया और वहाँ पे पिकनिक मनाई। तो उदयपुर झील के किनारे सोमवार को बिछाया, ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बिछामेड़ा से, उदयपुर में। ये क्वेश्चन भी बनता है। ये दोनों जहाँ की मिल रही है, यहाँ एक देखिए ब्लैक सा स्टार बनाया हुआ है, ये ब्लैक सा स्टार जो है ना, यही इंपॉर्टेंट है। एक संगम हो रहा है यहाँ पे, देखिए तीन नदियां आ चुकी हैं यहाँ पे, जाखम नदी आ चुकी है, सोम नदी आ चुकी है और तीसरी आपकी माही ये फ्लो ही रही है। तीन नदियां यहाँ पे मिल चुकी हैं, तो ये त्रिवेणी बन गया। क्या बन गया, ये त्रिवेणी बन गया, त्रिवेणी बोलते हैं इसको, त्रिवेणी। ये काफी प्रमुख और फेमस त्रिवेणी है, इसका नाम है वेणेश्वर। क्या है, वेणेश्वर, तो हम लोग अभी डिटेल में देख लेंगे, फिलहाल लोकेशन के हिसाब से देख लीजिएगा। वेणेश्वर जो धाम है वो कहाँ पे है, वेणेश्वर त्रिवेणी कहाँ है, डूंगरपुर में पड़ती है। एग्जैक्ट लोकेशन इसकी कहाँ है, डूंगरपुर में है। कौन कौन सी नदी मिली, सोम जाखम मिली, किसमें, माही में। तो मैप के द्वारा हमने चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश की है। अन्य नाम की हम लोग ये बात कर लेते हैं, अन्य नाम है आदिवासियों की गंगा। बिल्कुल, आदिवासियों की गंगा क्यों होगी, अभी हमने बात की थी, आदिवासी क्षेत्र से गुजरती है। वागड़ क्षेत्र में आदिवासी ही अधिक मात्रा में रहते हैं, ये वागड़ क्षेत्र से गुजरने के कारण ये आदिवासियों की गंगा भी कहलाती है और वागड़ की गंगा भी कहलाती है। स्थान है, दोनों आप आसानी से कर दोगे। कांठल की गंगा, हमने कांठल की बात पहले ही की थी। कांठल क्षेत्र हम किसको कहते हैं, माही नदी के जो पास पास बेसिन वाला जो एरिया है उसको हम कांठल कहते हैं, इसीलिए ये कांठल की गंगा भी हो जाएगी। तीनों आसान है। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, राजस्थान का सबसे जो दक्षिण है वो कौन सा है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से कौन सी नदी निकल रही है, माही नदी। तो अगर क्वेश्चन आएगा दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कौन सी है, तो बिल्कुल कौन सी होगी, वो माही नदी ही हो सकती है और कोई नहीं हो सकती। ये सब हमने बातें यहाँ पे कर ली, स्टार्ट हो रही है कौन सी क्या है। माही बजाज सागर बांध परियोजना इंपोर्टेंट डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। पहली बात, कौन सी नदी पे है, माही नदी पे, राजस्थान और गुजरात के द्वारा संचालित। देखिए कंबाइन प्रोजेक्ट है ये, 45% राजस्थान, 55% प्रोजेक्ट चलाया गया इसमें, 45% योगदान राजस्थान का है और 55 यानी हमसे 10% ज़्यादा योगदान इसमें किसका है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आ रही थी, मध्य प्रदेश में ही जा रही है, तो योगदान भी तुम्हें ज़्यादा करना पड़ेगा। स्थिति कहाँ है, गोरखेड़ा। ये जो हमने जगह बनाई थी बांसवाड़ा में, वो कौन सी जगह थी, गोरखेड़ा, जहाँ पे ये माही बजाज सागर पाया जाता है। हमने बात की थी सबसे लंबी बांध परियोजना है ये, कितनी, 3109 मीटर, यानी 3 किलोमीटर से भी 100 मीटर ज़्यादा है, 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गई है।
3 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा है, कितनी 109 ज्यादा है, 3109। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना, बिल्कुल आदिवासी से रिलेटेड कोई नदी और परियोजना पूछ लें तो सीधा माही वाला आपका आंसर होना चाहिए। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति की जाती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, सारी की सारी की जाती है 100%। जितनी भी बिजली उत्पादित होगी माही बजाज सागर से, वो सारी की सारी बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी किसको दी जाएगी, आदिवासियों को यानी ट्राइबल पीपल को ही दी जाएगी। इस परियोजना के उत्पादित जल विद्युत कितना है टोटल, 140 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, कितनी है 140 मेगावाट। ध्यान रहेगी माही बाजार सागर के बारे में। अगली हमने बात की थी बेणेश्वर कह दो या वेणेश्वर कह दो, एक ही बात है। कहाँ ये वेणेश्वर संगम, त्रिवेणी, त्रिवेणी कहते हैं इसको हम लोग, त्रिवेणी क्यों कहते हैं, त्रि मतलब तीन, त्रिवेणी, तीन नदियां यहाँ पे मिलती हैं, इसलिए क्या बन गया ये त्रिवेणी बन गया। राजस्थान में इस तरह के कई त्रिवेणी है, सबसे पहला त्रिवेणी हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, कौन सा, बेणेश्वर संगम डूंगरपुर। सबसे पहली बात तो यही आती है कि जो संगम है वो कहाँ है और किन नदियों से मिलके कहाँ है, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। लोकेशन क्या है इसकी, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में कौन सी जगह है, देखिए स्थान यहाँ पे लिखा हुआ है नवा टापरा। टापरा देखिए हम लोग किसको कहते हैं, टापरा, हम घर को ही कहते हैं टापरा, पूरा टापरा बढ़ जा मतलब घर में घुस जा, तो नवा टापरा एकदम नई, नया घर है, नया रूम है, उसके अंदर क्या है ये आपका बेणेश्वर, इसलिए इतना फेमस है। आसपुरा तहसील है, ये क्या है इसकी, इस तहसील में आसपुरा तहसील। जिला कौन सा हो गया, डूंगरपुर। स्टेट बताने की जरूरत है क्या आपको। रिवर्स कौन कौन से, देखिए माही में सोम और जाखम, तो आप ऐसे याद कर सकते हो माही ही सोजा, ठीक है, अगर देखिए सोते ज्यादा ही है। एक हमने क्या बात की थी, ए अन्ना चारपाई में सोजा, तो आपकी सारी की सारी सहायक नदियां हो जाएंगी। तो अन्ना ने बोला माही सोजा, तो आपका क्या होगा, त्रिवेणी संगम आ जाएगा बेणेश्वर। कौन सोजा, माही सोजा, सो से सोम, यहाँ से आपकी जाखम। फिर देखिए सर्वाधिक यहाँ पे कौन सी जनजाति है, हमने बात की कि जनजातियों को बिजली आपूर्ति की जाएगी, जनजातियों की सबसे बड़ी योजना है, आदिवासियों की क्या है ये गंगा भी है, कौन से, भील यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मेला लगता है यहाँ पे बिल्कुल माघ पूर्णिमा, माघ महीना, हिंदी का जो माघ महीना होता है उसकी पूर्णिमा को यहाँ पे मेला लगा करता है। थर्ड क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव कि बेणेश्वर धाम में मेला कब लगता है, माघ पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या कभी और, माघ पूर्णिमा पे लगा करता है, आपके अकॉर्डिंग तो कभी और होगा ना। संत माऊजी ने एक शिवलिंग की स्थापना की, स्थापना किसने की थी, संत माऊजी संत थे, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था सबसे पहले इनकी स्थापना। और ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट, खंडित मूर्ति की यहाँ पे पूजा होती है, जो जो शिवलिंग है एक तरह से, शिवलिंग जो है वो कैसा है, खंडित है, ठीक है, जगह आप कह सकते हो खंडित शिवलिंग है यहाँ पे, उसकी यहाँ पे पूजा की जाती है, एकमात्र ऐसी यहाँ पे है। डूंगरपुर महारावल आसकरण द्वारा निर्मित है, हमने देखा कि आसपुरा तहसील में ही है, आसपुरा तहसील किसने, डूंगरपुर महारावल आसकरण द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था। तो देखिए बेणेश्वर संगम पे 2 नंबर का क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है, 5 नंबर में कम ही चांस है, तो देखिए 2 नंबर में आप कितना सारा लिख सकते हो, बिल्कुल ये सारी बातें लिखी जा सकती हैं, 5 लाइन्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, कॉपी आती है लिखने की, उसमें 5 लाइन होती है, 5 लाइन में आप सारी की सारी बातें लिख सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट लिख दो सीधे के सीधे, कोई ज्यादा 2 नंबर वाले में स्टेटमेंट बनाने की आपको जरूरत नहीं होती। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो देख ही पा रहे हो आप, मेला कब लगता है, स्थान कौन सा है, कौन सा जिले में पाई जाती है, कौन सी नदी पे है, खंडित मूर्ति की पूजा कहाँ पे होती है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या क्या बन सकते हैं। देखिए राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम, यहाँ से गिरोगे तो जख्म हो जाएगा आपकी, इतना ऊंचा है कि गिरने पर जख्म हो जाएगा, सबसे ऊंचा कौन सा है, जाखम बांध, इतनी हाइट इसकी 81 मीटर है, टोटल 81 मीटर। जाखम नदी पे कौन, जाखम बांध कौन सी नदी पे है, जाखम नदी कहाँ पे है, डूंगरपुर में है या प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स के, तो प्रतापगढ़ में, हमने अभी मैप में इसको समझा ही था कैसे था, माही नदी यूँ चली गई थी, ये इधर से आ रही, सर ये कौन सा है, प्रतापगढ़ ही है, प्रतापगढ़ से आती है, प्रतापगढ़ में ही बांध है, प्रतापगढ़ से नदी का उद्गम है। राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी,
दक्षिण से तो प्रवेश करेगी फिर पश्चिम की ओर चले जाएगी, ऐसी केवल एक ही नदी है, कौन सी है? माही नदी। माही की सफाई के लिए कार्यक्रम भी चलाया गया था सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम परियोजना। फैक्ट है, डायरेक्ट याद रखेंगे, कौन सी योजना चलाई गई थी माही को साफ करने के लिए? सुजलाम सुफलाम। कर्क रेखा को दो बार पार करने, ये हम देख चुके हैं, कर्क रेखा को दो बार पार करती है ये। बांसवाड़ा ले लीजिए, फिर ये राजस्थान का मैप बना दिया यहाँ पे हम, इस तरह से माही आएगी और माही इस तरह से। कर्क रेखा इसको कितनी बार काटती है? दो बार काटती है, या कह सकते हैं कि ये नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? दो बार काटती है। तो माही नदी एकमात्र विश्व की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये यहाँ पे देखिए एक चित्र भी बनाया गया आप लोगों के लिए, ये कर्क रेखा ऊपर वाली है, कर्क रेखा, माही नदी ने इसको दो बार काटा। ये कौन सी है? बीच वाली 0 डिग्री वाली, भूमध्य यानी इक्वेटर, भूमध्य इक्वेटर विषुवत रेखा। एक नदी ऐसी भी है जो इसको दो बार काटती है, वो है कोंगो, कौन सी है? कोंगो। एक नदी ऐसी भी है जो इसको दो बार काटती है, ये कौन सी रेखा है आपकी? मकर रेखा, कैप्रिकोन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन। ये मकर आपकी कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पहला कैंसर तो अच्छा ही नहीं लगता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को माही, फिर ये आपकी कोंगो, ये कौन सी? लिम्पोपो। नाम बड़े मस्त मस्त आसानी से याद रहने वाले, लिम्पोपो, लिम्पोपो। दो बार यहाँ पे, एक बार पो यहाँ करेगी, एक बार पो यहाँ करेगी, दो बार पो कर देगी, पोपो लिम्पोपो। ये दोनों अफ्रीका की नदियां, एकमात्र नदी जो विषुवत रेखा को, देखिए सेंटर को करने वाली सी से स्टार्ट, सेंटर वाली सी से है, बाकी माही तो हमें पता ही है। और तीसरी कौन सी है? लिम्पोपो। अच्छा, डूंगरपुर बांसवाड़े की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? बिल्कुल माही नदी करती है। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? माही नदी ही इसका आंसर हो जाएगा। सीता माता अभ्यारण्य कौन सा बांध रिलेटेड है इससे? जाखम। सीता माता अभयारण्य, अभयारण्य में हम आगे पढ़ेंगे इसका। वैसे सीता माता का पूरा एक्सटेंशन आपका चित्तौड़गढ़, यू से कौन सा है? उदयपुर। पी से है कौन सा? प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ में का विस्तार है, पी यहाँ पे प्रतापगढ़। तो जाखम बांध प्रतापगढ़ में, सीता माता अभयारण्य का भी विस्तार यहाँ पे है। सोम नदी का उद्गम बताइए कहाँ होता है? बिछामेड़ा। बिल्कुल बिछामेड़ा कहाँ पे? ऋषभ देव जगह का नाम है, वैसे ये कहाँ पे है? उदयपुर पे है, उदयपुर में ऋषभ देव इम्पोर्टेंट। मार्बल मिलता है यहाँ पे, 2016 आरएस 2016 में क्वेश्चन आया था पी के अंदर। पिंक मार्बल कहाँ मिलता है? पिंक मार्बल कहाँ मिलता है अभी? पिंक मार्बल इन तो हमने बिछाया था, जहाँ बिछाया था वहीं पे ऋषभ देव में क्या है? पिंक मार्बल। दो प्रोजेक्ट हैं देखिए, सोम कागधर, सोम कागधर या ककधर भी कह देते हैं, या सोम कमला अंबा। ये दो प्रोजेक्ट हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है दोनों में क्या आ रहा है? सोम आ गया, सोम आ गया, दोनों में सोम आ गया। दोनों किस पे हैं? सोम नदी पे, नदी पे हैं सोम, लेकिन एक उदयपुर में है और एक डूंगरपुर में। ध्यान रखिएगा, जो सोम कागधर है ये आपका उदयपुर में है। नदी का उद्गम कहाँ से था? सोम नदी का, उदयपुर से ही था। दूसरा कहाँ पे है? डूंगरपुर में, सोम कमला। कहाँ पे? अब आइए तीसरी नदी की हम लोग बात कर लेते हैं। तीसरी नदी कौन सी है? पश्चिमी बनास, वेस्टर्न बनास। सबसे पहले ओरिजिन कहाँ होता है, संगम कहाँ होता है? नया सानवारा, नया सवेरा याद रख सकते हो, नया सवेरा पश्चिम बनास में। नया सानवारा सिरोही से क्या होता है? इसका उद्गम होता है, संगम हो जाता है लिटिल कच्छ रण, कच्छ के रण भी आप कह सकते हो, रण ऑफ कच्छ कह सकते हो आप लोग, रण ऑफ, रण ऑफ कच्छ में देखिए पहले लूणी भी जाके संगम बनाती थी, अभी लिटिल कच्छ रण है, उसके पास में छोटा भी है जिसका नाम लिटिल यहाँ पर डाल दिया गया है, लिटिल मतलब छोटा ही होता है। तो यहाँ पे कौन किसका संगम होता है? पश्चिमी बनास का संगम। लंबाई 226 किलोमीटर, की लंबाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मुख्य तौर पे यहाँ पे कमी है, कहाँ पे? राजस्थान में। इसका बाहु क्षेत्र, कैचमेंट एरिया की बात करें तो केवल और केवल सिरोही, सिरोही के बाद सीधा ये क्या करती है? राजस्थान है। सिरोही से क्या होगा, निकल के सीधा ही सीधा कहाँ चली जाती है? ये गुजरात में चली। सहायक नदियां देखिए, कुकड़ी बात की थी हमने, एक ही डी है कुकड़ी, कौन सी डी? कुकड़ी, जो कि यहाँ नहीं है, बाकी सारी की सारी डी कहाँ थी? पीट डी, लील डी, सुकड़ी, जोदड़ी, वो सारी की सारी कहाँ थी? लूणी की सहायक नदियां। ये एक ऐसी डी है जो किसमें आ गई है?
पश्चिमी बनास में आ गई है, वेस्टर्न बनास में आ गई। एक यहाँ पे सुकली भी है, सुकली और सीपू, इसको सीपू भी कहते हैं। सीपू तुम कहाँ हो? सीपू कहती है मैं कहाँ हूँ, पश्चिमी बनास में हूँ। आबू रोड, देखिए दो शहर की यहाँ पे बात हो रही है, एक हम लोग उठा लेते हैं राजस्थान का और एक गुजरात का। गुजरात का डीसा नगर, गुजरात का कौन सा है? डीसा नगर। ये दोनों के दोनों पश्चिमी बनास पे ही हैं, कि पश्चिमी बनास पे आबू रोड, ये भी कहाँ पे है? पश्चिमी बनास पे ही है। दो इम्पोर्टेंट शहर कौन सा? आबू रोड, आबू पर्वत नहीं है, आबू रोड है यहाँ पे, आबू रोड जगह है। एक डीसा नगर। ये वेस्टर्न बनास की बातें हो गई, ज़्यादा इतना ही पढ़ना है इसके बारे में, डिटेल में नहीं है ज़्यादा। इंपॉर्टेंट नदी लूनी और माही थी जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। अब है साबरमती जो थी, उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर से। उदयपुर तो खास तौर पर याद रखना ही है। और यहाँ पे कौन सी हिल है? पादरला हिल्स है, पादरला हिल से उद्गम होगा, संगम हो जाएगा खंबात की खाड़ी। बिल्कुल देखिए आसान है, हमने चार देखी जिसमें लूनी और अभी अभी जो देखी पश्चिमी बनास, दोनों कच्छ के रण में जाके गिरेगी, रण ऑफ कच्छ में जाके गिरेगी। लेकिन बाकी जो दोनों हैं कौन कौन सी, ये साबरमती और माही, ये दोनों के दोनों खंबात की खाड़ी में जाके गिरे हैं। तो आसान है, देखिए दो इधर दो इधर। लंबाई कितनी है? 416। भले ही 416 हो लेकिन राजस्थान में तो ये 45 किलोमीटर। जयपुर से निकलेगी और सीधा गुजरात में कूद। अपवा क्षेत्र की बात करें तो केवल और केवल जयपुर का नाम लेना है आपको। सहायक नदियां, सहायक नदियां देखिए इसमें पेत्रक, सई। देखिए सई तो हम पढ़ चुके हैं पहले से, सई वाटर टनल देखा था इसलिए तो आपको याद रहनी चाहिए। अथमती है, मेसवा, सी मेसवा, मानसी माजम वाकल, मानसी माजम वाकल, मानसी वाकल भी आपको आसानी से याद हो जाएगी, अभी बात करेंगे हम इसके बारे में। अब इसको भी याद की जा सकती है, देखिए इसको याद करते हैं। ऐसे हमें मावा चाहिए। क्या चाहिए भाई? मावा। ऐसे हमें मावा, वे से आपका हो गया वेतरक, से हो गया सही। अब देखिए पश्चिमी जो बनास देखी उसमें तो दो ही हैं, तो क्या टेक्निक बनेगी? कुछ नहीं, तो भी हमने देख लिया, एक तो सीपू है और एक कौन सी है? डी वाली टुकड़ी। से सही हो गई। ऐसे आपकी हतमती, मे से मेसवा, मावा, मा से आपकी दो हैं, आंसी और माजम, वा से आपकी है वाकल। चाहिए से कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता चाहने, चाहने से कुछ नहीं मिलता, इसको हटा देते हैं। तो वैसे हमें मावा चाहिए, पूरा लिख सकते हैं आप लोग, ये इस तरह से आपको याद रह जाएंगी। अब ये तो आपको देखे वैसे भी याद हो जाएगी, सही, मानसी और मैंने बताया वाकल, ये तीनों तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद हो जाएंगी। गुजरात का गांधीनगर, बिल्कुल गांधीनगर जो शहर है काफी इंपॉर्टेंट, गांधीनगर कैपिटल है क्या गुजरात की? गुजरात का गांधीनगर शहर इसी नदी पे बसा हुआ है। तो पश्चिमी बनास पे कौन बसा हुआ था? कौन था ये हमने जिक्र किया था इसका? ईसानगर, बिल्कुल। क्योंकि गांधीनगर कहाँ पे है? साबरमती, साबरमती आश्रम भी है, गांधी जी ने बसाया था। अब देखिए सही जल सुरंग और दो जल सुरंग की बात हम लोग कर रहे हैं, राजस्थान की दो इंपॉर्टेंट वाटर टनल्स की बात करते हैं यहाँ पे। विस्तार उदयपुर से पाली है, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। राजस्थान की सबसे पहली जल सुरंग उदयपुर से पाली जवाई बांध को क्या कराएगी? ये जल की पूर्ति कराएगी जब वहां पे जल कम हो जाएगा। जवाई बांध कहाँ पे है? पाली में। मानसी वाकल जल सुरंग भी एक नाम से क्लियर हो रहा है, मानसी और वाकल दो नदियां हैं उनसे जुड़ी हुई है ये। विस्तार इसका उदयपुर में है। मानसी और वाकल दोनों किसकी सहायक नदियां हैं बताइए? किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं मानसी और वाकल? दोनों की दोनों साबरमती की है। साबरमती, साबरमती का उद्गम होता है कहाँ से? पादरला उदयपुर से। उदयपुर में ही क्या है? मानसी और वाकल का विस्तार है। ये राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग, बस यही ध्यान रखना है, सबसे पहली तो कौन सी है? सही। उसके बाद सबसे जो लंबी है वो कौन सी है? मानसी वाकल। तो देखिए तीन आपकी इंपोर्टेंट जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, वो यहाँ पे कवर हो चुकी हैं, सही सही मानसी और वाकल। तो बाकी बच गई वो देखिए, वेतरक है, सुमति है, मेसवा है, मानसी माजम, माजम आप साथ में याद रख लीजिए मानसी के, सही है। देवास जल परियोजना को भी जल पूर्ति, देवास जल परियोजना है एक उदयपुर में, वहाँ पे ये उदयपुर में, इसको भी जल पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? मानसी वाकल जल सुरंग। जैसे इससे इस सुरंग से कहाँ पूर्ति करते कर रहे थे हम? जवाई बांध में। मानसी वाकल से कहाँ करते हैं? देवास जल प्रयोजन को करते
ये सारी की सारी मुख्य बातें थी, हमने आज डिस्कस कर लिया है अपवाद तंत्र कौन सा वाला, अरब सागर वाला अपवाद तंत्र, जिसमें देखिए मैप के द्वारा कुछ और समझ लेते हैं हम लोग वापस इसको, कि आपकी लूणी यहाँ से इस तरह करके बाड़मेर में जाते हुए कहाँ चले गई थी, कच्छ के रण में चले गई थी। सिरोही से निकलने वाली भी कच्छ के रण में गई, लिटिल कच्छ के रण, ये बड़े कच्छ के रण। उदयपुर से एक नदी निकली थी जो बात में, और फिर एक आप बांसवाड़ा या आके वापस डूंगरपुर में जाके ये भी कहाँ गई, बात की खाड़ी में गई थी, गल्फ ऑफ खंबात रण, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात कह सकते हैं, ये दो रण में गई और दो गल्फ में यानी खाड़ी में चले गई। सिरोही से निकलने वाली कौन सी थी, पश्चिमी बनास। उदयपुर से कौन सी निकली थी, साबरमती। ये सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसी के साथ आपका अरब सागर वाला यानी अरेबियन सी वाला ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हैव ए गुड डे, गुड बाय।